बंटी, हमें आज एक काम मिला है। क्या करना है? वो लक्ष्मी टीचर है ना, उसके खेत में दवाई छिड़कनी है। मतलब पूरा खेत बर्बाद? हाँ। ठीक है, लेकिन करना कब है? आज रात 12 बजे। ठीक है। ये लड़का कौन था? पता नहीं। भाग क्यों रहा है? अरे छोड़ ना, तू भी क्या बच्चे की बात को लेकर इतना सोचता है? ऐसे ही भाग रहा होगा, कोई हमारी बात थोड़ी सुनने आया, वो सुनेगा। चल छोड़, अपने काम पे लगते हैं। ठीक है, अभी हमें दवाई का भी इंतजाम करना है। हाँ, चल चलते हैं। रोहन अभी तक आया नहीं। लक्ष्मी, बेटा रोहन अभी तक नहीं आया? दादी, मैं भी यही सोच रही थी, बहुत देर हो गई है ना। उसने मुझसे कहा था कि वो घर में बोर हो रहा है, इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया बाहर जाने के लिए। लेकिन अब इतनी देर हो गई है, तो कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया होगा ना? मैं लेकर आ जाऊँ क्या उसे? हाँ, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है बेटा, देख जाके। ठीक है, मैं देख कर ही आती हूँ। टीचर, लक्ष्मी टीचर, टीचर। रोहन, रोहन, टीचर। रोहन बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? आप ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? टीचर, क्या क्या देख, एक मिनट इधर आओ मेरे साथ, आराम से। क्या हुआ? पानी, पानी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों? और मैंने आपको बोला था ना बेटा कि भाग दौड़ नहीं करनी है, अभी पैर में दर्द होगा ना। लाओ मुझे दिखाओ, दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा दर्द हो रहा है, दिखाओ। मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा था, मैं तो धीरे चल ही रहा था। तो फिर क्या हुआ? ये लो, ये पियो। तो फिर रोहन, ऐसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? अब बताओ, आराम से बताओ, क्या हुआ है? आज रात को बहुत बुरा होने वाला है। क्या 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 प्रॉब्लम? हाँ, पूरी बात बता शांति से। टीचर, आज आपके खेत में प्रॉब्लम होने वाली है, आपको खेत खराब होने वाला है। रोहन बेटा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? जब मैं दोस्तों के साथ वापस आ रहा था खेल के, वो लक्ष्मी टीचर है ना, उसके खेत में दवाई छिड़कनी है। मतलब पूरा खेत बर्बाद। कौन थे वो लोग? तू पहचान सकता है उन्हें? तूने देखा उन्हें? नहीं दादी, मैंने उन्हें थोड़ा सा देखा, मैं उन्हें अच्छे से देख ही नहीं पाया, पर मैंने उनकी आवाज अच्छे से सुनी थी। रोहन बेटा, तुमने अच्छे से आवाज सुनी ना? वो हमारी खेत की बात कर रहे थे। हाँ हाँ मासी, मैंने एकदम ध्यान से सुना था कि वो लक्ष्मी जी खेत के बारे में बात कर रहे थे, और रात को 12 o'clock वो दवाई डालेंगे जिससे खेत खराब हो जाएंगे। पर हमारा दुश्मन कौन हो सकता है, और ऐसे कौन करेगा और क्यों? शालू बेटा, जो जितने अच्छे काम करता है और जो दुनिया भर का चहेता होता है, उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और लक्ष्मी गांव वालों के लिए इतना अच्छा काम करती है, सबका भला करती है, तो ऐसे में उसके दुश्मन भी कई हो सकते हैं। आप सही कह रहे हो दादी, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते ना उनको। लेकिन वो जो कोई भी, हमें उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा, वो भी रंगे हाथों। हम अपने खेत को कुछ नहीं होने देंगे। दी, मैं गांव वालों को भी बुला लाऊं? नहीं शाली, गांव वालों को नहीं। हम जानते नहीं हैं ये कौन लोग, कितने खतरनाक हैं। अगर हमारे खेत बचाने के चक्कर में गांव वालों को कुछ हो गया, तो अपने स्वार्थ के लिए हम गांव वालों की ज़िंदगी तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। और हो सकता है गांव वालों को देख के वो लोग बाहर ही ना आए। ये जो भी दुश्मन है, अगर ये सामने ही ना आए और अपने आदमियों को भेज दे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि असली दुश्मन है कौन। इसीलिए असली दुश्मन तक पहुंचने के लिए पहले हमें आदमियों को पकड़ना पड़ेगा, समझ रही है ना? हाँ, पुलिस को बुला लें। दादी, पुलिस को भी बुलाएंगे और गांव वालों को भी बताएंगे, लेकिन सही समय आने पर। अभी फिलहाल हमें ही कुछ करना पड़ेगा।